हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप के आप सब मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको हेलो एरे के कुछ रिएक्शंस करवाए थे, ठीक है। और उसमें लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ मैकेनिज्म सिखाने वाला हूँ और साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके जो अलग अलग रिएक्शन हैं उनमें से कुछ एक रिएक्शन हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में का ये अब सिर्फ दो ही वीडियो लेक्चर की जरूरत है और फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। दिस चैप्टर विल ऑल्सो गेट कंप्लीटेड। बस हमें सिर्फ एक ही वीडियो लेक्चर की जरूरत है एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। यस, कोई एक और एक ये वीडियो लेक्चर और एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बस इन दो वीडियो लेक्चर्स की जरूरत है और फिर हमारा यहाँ पर इस चैप्टर का पूर्णावधि आ जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग ने यहाँ पर काफी सारे चीजों को कंप्लीट कर लिया है। शायद एक आध लेक्चर प्लस माइनस हो पाए बट उससे ज्यादा लेक्चर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। Will not require more than that. ठीक है, रेडी हो आप लोग? मैं जरा मेरी नोट्स को जरा निकाल लूं ताकि फिर हम उसमें से पढ़ा पाए समझ पाए, ठीक है ना? रेडी हो ना? वेरी गुड, रेडी हो जाइए। आज मैं SN1 रिएक्शन पढ़ाऊंगा और वो कुछ रिएक्शन जो है वो पढ़ाऊंगा आज, ठीक है बच्चों? सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दैट स्टफ। रेडी हो ना? चलो चलो, बस मैक्स टू मैक्स 2 से 3 वीडियो लेक्चर की जरूरत है और ज्यादा वीडियो लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, सो चिंता मत लो, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं, बस जस्ट वेट करिए। यस स्टूडेंट्स, ओके, SN1 रिएक्शन हम पहले करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, मैंने आपको SN2 रिएक्शन तो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं यहां पर SN1 रिएक्शन भी कंप्लीट करवा दूंगा। इन टुडेस लेक्चर आई एम गोइंग टू टीच यू SN1 रिएक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक है? चलो तो फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ज्यादा नहीं, पर 2 से 3 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो एक आध वीडियो लेक्चर उसमें भी चला जाएगा, ठीक है? चलिए तो फिर शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन को। स्टार्ट विद द SN1 रिएक्शन। चलो, अब SN1 और SN2 के बीच में जो डिफरेंस था वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मुझे आपको SN1 SN2 के बारे में पूरी डिटेल्स करवाना था, तो SN1 मैं करवाता हूँ। यहाँ पर देखो, बेसिकली SN1 हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं हेलो आल्केन के लिए। इनके लिए कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं हेलो आल्केन के लिए, ठीक है? वी आर डूइंग इट फॉर द हेलो आल्केन। अब यहां पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की बात है। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक के बारे में जो हम बता रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जरा ध्यान से देखना कि वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्शन करवाते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी होते हैं कंपाउंड्स, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? क्लियर है? यही तो न्यूक्लियोफाइल होता है। पर ये क्यों कर पाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद का चार्ज नेगेटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल के खुद का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है? और ये जो होता है वो एक यूनिमॉलिक्यूलर मतलब कि रिएक्शन रहता है। और इसमें इसका ये जो मॉलिक्यूलरिटी है यानी कि ऑर्डर है वो उसका 1 रहेगा। यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि एक मॉलिक्यूल वाला, यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है? ये उसका ऑर्डर होगा। अब देखो, बेसिकली हम लोग ने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में प्रीवियसली देखा था। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिनके अंदर काइरल कार्बन रहता है, जिनके अंदर काइरल कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है कि नहीं? क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब ये बात तो हमें क्लियर है कि भी कार्बन की जो वैलेंसी रहती है वो रहता है 4, कार्बन की जो वैलेंसी रहती है वो रहती है 4,
और वो चारों चार अगर डिफरेंट हुआ, अगर ये चारों चार वैलेंसी के ऊपर आने वाले जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हुए, तो उस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे, या फिर उस सेंटर को हम लोग कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कायरल सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लो कि भाई ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको हमने क्या किया, उस कंपाउंड के ऊपर इंसिडेंट किया। क्या किया है? उस कंपाउंड के ऊपर इंसिडेंट किया, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से रोटेशन होगा। मान लो इधर हुआ है रोटेट, या फिर ऐसा हुआ है कि देखो उधर इस तरह से रोटेट हुआ है, यानी कि कंपाउंड क्या होगा, रोटेट होगा। ये यू रोटेट होगा या फिर ये यू रोटेट होगा, यानी यहां पर उसका रोटेशन होगा, ठीक है। करें यही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स करते हैं, क्या करते हैं वो रोटेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं वो रोटेशन करवाते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे हम लोग, याद लेते रहना, मैं और आगे लिखता रहूंगा, ठीक है। लाइक हमने यहाँ पर कोई कंपाउंड लिया है, लाइक मैंने यहाँ पर लिया, ये कायरल सेंटर है, तो इसके चारों चार जो ग्रुप्स होंगे, सब्स्टिट्यूशन होंगे, वो अलग अलग होंगे। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है, ठीक है। अब एक वहां पर मैंने क्या लगाया है, आर डैश लगाया इधर, ये डार्क है, यानी कि ये टूवर्ड्स अस है, अपनी तरफ ये आर डैश आ रहा होगा, यहाँ पर ये आर आएगा, और यहाँ पर ये क्या आएगा, एच आएगा। अब यहां पर ये एक दो तीन और चार, ये चारों चार सब्स्टिट्यूशंस अलग अलग है, इसलिए इसको हमने क्या बोला, कायरल सेंटर। अब इस पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएगी तो हमें एक रेसिनिक मिक्सचर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, रेसिनिक मिक्सचर मिलता है। बट ये रेसिनिक मिक्सचर होता क्या है, मैं बताता हूं आपको, आई टेल यू व्हाट इज दिस रेसिनिक मिक्सचर। देखो जब भी हमें, देखो दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं, एक अगर मान लो कि भाई लाइट जो है, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, उस लाइट को मैं मान लो कि भाई ये कंपाउंड के ऊपर इंसिडेंट करता हूं, तो वो कंपाउंड अगर इस लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये लाइट को, मतलब ये कंपाउंड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और उसको हम लोग नेगेटिव साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए मैं उस फॉर्मूला में लिखता हूं कि इफ द लाइट इज रोटेटेड राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव साइन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर इफ द लाइट इज रोटेटेड left hand side then it is called levorotatory substance, ठीक है, L negative, ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसमें से आधा 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड बाकी का 50% लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या है 50% डेक्स्ट्रो है एंड 50% वो लीवो रोटेटरी सब्सटेंस होता है। इट्स अ लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। अब देखिए इनकी कुछ पॉइंट्स जो मैं लिख रहा हूं, तो पहली बात इसकी ये है इट अकर्स इन टू स्टेप्स। इसमें जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लगाते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। नंबर थ्री, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है ये? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। नंबर फोर, इनमें रेसिनिक मिक्सचर्स का, अभी वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहां पर लिया है H2O को, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कीजिएगा, ये माइनस डेल्टा बनेगा, ये
ये प्लस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, बेसिकली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है कि नहीं, इट विल बी अट्रैक्टेड देयर। तो ये पोलर रोटेटिंग सॉलिड बोल सकते हो। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर। अब रेसेमिक मिक्सचर के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, लेवोन टेक्सटोरी करना है, इन्वर्जन प्रोडक्ट्स मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट्स मिलता है। क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। कैसे, तो जरा ध्यान से देखना। लाइक यहाँ पर मैंने एक्स को निकाल के न्यूक्लियोफाइल लगाया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहाँ पर जैसा था वैसा ही हो रहेगा, ठीक है। ये आर और ये बनेगा आर डैश, बीच में हमने क्या रखा है, मिरर रखा है। ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये कार्बन है, एच आएगा, बराबर आर आएगा और ये आ जाएगा, दैट इज आर डैश, ठीक है। ये बीच में, अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हमें रिटेंशन प्रोडक्ट मिला। रिटेंशन प्रोडक्ट यानी कि जैसा था वैसे रहा, एक प्रोडक्ट ये ऐसा था, ये भी ऐसा ही रहा, ये रिटेंशन है। ये प्रोडक्ट किस किसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये रिटेंशन प्रोडक्ट है और ये इन्वर्जन है, क्योंकि ये उल्टा हो गया, जैसा हमारा रिएक्टेंट था उसका ये उल्टा बना, ठीक है ना। हमारा रिएक्टेंट यू था और प्रोडक्ट यू बन गया, तो ये क्या हो गया, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये मिक्सचर हमें मिले, क्लियर है कि नहीं, ये मिक्सचर हमें मिले, क्लैरिटी है बच्चों। चलो ऐसे मन का एक बार हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, विल चेक द मैकेनिज्म ऑफ, क्लियर है कि नहीं। इन दोनों को हम लोग रेसेमिक मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मन का मैकेनिज्म चेक करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं मैकेनिज्म ऑफ ऐसे मन रिएक्शन। अब ऐसे मन यानी कि ऑलरेडी आपको हुआ तो बताइए, ठीक है। क्या होता है ऐसे मन यानी कि के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर वन। ये पार्ट अलग है, इतने पार्ट में हम लोग ला देंगे एसएन1 का मैकेनिज्म। अब जरा ध्यान से देखना कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया हमारा ये रिएक्टेंट है, लाइक यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये एच है, यहाँ पर ये हमारे पास एक एल्केन ग्रुप है, यहाँ पर ये हमारे पास दूसरा एल्केन ग्रुप है, आर डैश है, ठीक है, ये आर डैश है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये माइनस डेल्टा आएगा, यहाँ पर ये प्लस डेल्टा आएगा, ये क्या करेगा, हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ पुल करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ पुल करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हेलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए हेलोजन के ऊपर नेगेटिव डेल्टा चार्ज अलग होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चों, ओके। तो अब ये बेसिकली क्या बनेगा, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये एक कार्बोकेटायन बनाएगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। और उस कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरह से बना, यू यू एक कार्बोकेटायन बना है, इसका स्ट्रक्चर बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये स्टेप नंबर वन, ये स्टेप नंबर वन, दिस इज स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू देखते हैं, ठीक है, क्या होगा कि यहां पर स्टेप नंबर वन में क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। पहले स्टेप में एसएन वन रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है। अब देखो यहां पर क्या बताया है कि एसएन वन रिएक्शन दो स्टेप की रिएक्शन है, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, वहां पर कार्बोकेटायन बना, यानी कि ये निकल गया, यहां से ये निकल गया, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या बना, कार्बोकेटायन बना, क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक, अब क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। स्टेप नंबर टू, प्रोडक्ट फॉर्मेशन न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्लियर है, ओके। नाउ ध्यान देना, यहां पर
आर है, ये एच, और यहाँ पर ये आर डैश है, ठीक है, ये आर डैश। अब जरा क्या करेगा, यहाँ पर दो स्टेप्स में रिएक्शन हो सकता है, दो स्टेप्स हो। देखो पहला है फ्रंट एंड, क्या है फ्रंट एंड, समझे कि नहीं? इस फ्रंट अटैक अगर होगा, यानी कि यहां से अटैक, यहां से ये फ्रंट अटैक, यहां से अटैक होगा, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्ट होगा ये, यहां पर ये आ गया न्यूक्लियोफाइट, ये एच आ गया, ये ओके क्लियर। और अगर ये बैक अटैक हुआ, अगर यहां पर बैक अटैक हुआ है, तो ये पीछे से अटैक करेगा, पीछे से वार करेगा, ठीक है, दोनों चीजें पॉसिबल। तो बैक अटैक में क्या होगा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा आर आर डैश, और यहां पर ये एन यू, समझे, ये दो प्रोडक्ट्स हमें मिल गए। अब आप खुद से सोचिए, मैंने आगे ही लिखे थे इनके प्रोडक्ट के बारे में कि ये जैसा था हमारा रिएक्टेंट जैसा था, वैसा ही हमारा प्रोडक्ट मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, रिटेन किया, उसने जो रिएक्टेंट था उसी के स्ट्रक्चर को रिटेन किया, तो ये बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट, क्या बनेगा रिटेंशन प्रोडक्ट। और ये क्या हुआ, ये पीछे से वार किया ना इसने, तो ये उल्टा हो गया, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट, यानी कि हमारा रिएक्टेंट यू था और प्रोडक्ट भी यू मिला एक प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग रिटेंशन बोल गया, और हमारा रिएक्टेंट यू था, प्रोडक्ट हमें यू मिला, यानी कि इसको बोलेंगे इन्वर्जन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और यही होता है एसएन टू एच। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमें जो मिला है यहाँ पर, ये जरा ध्यान से देखना कि ये रिटेंशन प्रोडक्ट हमें मिल गया है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये क्या करता है कंपाउंड, यहां पर ये प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि पीपीएल शॉर्ट में, प्लेन पोलराइज लाइट जो है, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं पीपीएल, उसको ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। आप ये भी समझ सकते हो क्लॉकवाइज, यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड, यानी बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर, तो रोटेट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यहां पर ये उल्टा करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, समझे कि नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको हम लोग बोलते हैं रेसेनिक मिक्सचर, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं रेसेनिक मिक्सचर, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड टू बी एज अ रेसेनिक मिक्सचर, इज इट ओके, इसी को हम लोग ने क्या बोल दिया, रेसेनिक मिक्सचर है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा कंप्लीट होता है। अब SN1 के कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, और जरा ध्यान देना, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, यू टेक द स्क्रीनशॉट, ये चलो मैं रन कर रहा हूं इतने पार्ट को, ठीक है, मैं रन कर रहा हूं इतने पार्ट को। अब हम लोग SN1 रिएक्शंस के कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी रह जाए। SN1 रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, SN1 इंपॉर्टेंट आईएमपी पॉइंट्स जो हमने पढ़ा ना अभी, ठीक है, आईएमपी पॉइंट्स लिख देते हैं एक बार, ठीक है, उसमें कुछ देखो जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, तो इन पॉइंट्स को थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं और क्लैरिटी से लिखते हैं। देखो जैसे स्टेप नंबर 1 जो होता है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 वो स्लो स्टेप होता है, इसमें याद रखना, उसको RDS बोलते हैं, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो इसका पहला स्टेप जो होता है ये वाला, इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते हैं। अब पहले स्टेप में यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है ना, इसलिए ऑर्डर 1 हुआ, यानी कि SN1 रिएक्शन हुआ। अब दूसरे स्टेप के को देखना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये स्लो स्टेप है और ये यहां पर फास्ट स्टेप है, तो हमेशा याद रखना रेट डिटरमिनिंग स्टेप यानी कि स्लो स्टेप ही होता है, बराबर कि नहीं, और रेट डिटरमिनिंग स्टेप ये है क्योंकि यहां पर स्लो है और इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एक ही कर रहा है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियर हुआ। जैसे कि यहां पर ये RX हमने लिया है, ठीक है, लाइक वो हमारा कंपाउंड ये वाला था, ये R, और ये हमने R डैश, और ये ले लिया X, तो यहाँ पर रेट जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द RX, और वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑर्डर बन गया ऑर्डर 1। नंबर 2 है, ये क्या बनाते हैं, रेसेनिक मिक्सचर, और उसके मैंने स्ट्रक्चर को ऑलरेडी बनाया है,
देखिए एक टेक्स्ट्रो है, लीवो है, नंबर 3 पॉइंट इसका याद रखना कि भाई रेट जो इसका है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट रिएक्शन का ज्यादा। यहां पर लाइक टर्शियरी का ऑलवेज फास्ट होगा, उससे स्लो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का, उससे स्लो प्राइमरी का, एंड सबसे स्लो मिथाइल कार्बोकैटायन का रेट होगा। ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, सबस्ट्रेट। ठीक है, ये याद रखना। चौथी बात, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जितना ज्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, बच्चों उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा। यहां पर ये हमारे SN1 के पॉइंट्स भी खत्म हो गए हैं और SN1 रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों। SN1 अब SN1 में और SN2 में एक बात याद रखना कि SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में रेट किसका हाई है। ठीक है, लाइक SN1 के लिए ऑलवेज याद रखना कि भाई टर्शियरी का रेट सबसे हाई, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम प्राइमरी का, उससे कम मिथाइल का। एंड SN2 में टर्शियरी का सबसे कम, सेकेंडरी का उससे ज्यादा, प्राइमरी का उससे ज्यादा, एंड मिथाइल का सबसे ज्यादा होता है SN2 में। ये याद रखना, ये जो उनके कंपाउंड्स के बारे में जिसका रेट ज्यादा होगा ये उनके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा SN1 एंड SN2 रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और फिर हमारा रहेगा सिर्फ सब टाइप ऑफ रिएक्शंस, बाकी है बाकी सारे चीजें यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है, देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट। अब सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा करके सिर्फ दो ही वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ओनली विल रिक्वायर दिस टू रिएक्शंस, ओनली दिस टू वीडियो लेक्चर्स। क्लियर है, क्लियर है सबको, क्लियर है ये स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमारा SN1 SN2 रिएक्शन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अब सिर्फ दो वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब एक वीडियो लेक्चर जो है उसमें हमें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, एंड दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने भी न्यूक्लियोफिलिक पढ़ा था, तो उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक की जगह पर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक तो हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी नोट्स बनाना अच्छी तरह से और होमवर्क में एक बार इसको रीड करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना।